हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वीन ऑफ मेडिसिंस में, जहां आपको मिलती है मेडिसिंस के बारे में कंप्लीट राइट इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज का वीडियो महिलाओं के लिए है, क्योंकि आज एक ऐसी टैबलेट के बारे में मैं बात करने जा रही हूं जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन के भी नाम से जानी जाती है, या फिर आप ये समझ सकते हैं कि वो गर्भ निरोधक गोली के नाम से भी जानी जाती है। यह फ्रेंड्स, मैं बात करने जा रही हूँ ओवरऑल एल टैबलेट के बारे में। ये देख लीजिए, ओवरऑल एल टैबलेट है। फ्रेंड्स, कंप्लीट रिव्यू जानेंगे कि ओवरऑल एल जो टैबलेट है, इसको कब कब यूज़ किया जाता है, किस एज ग्रुप की महिलाएं इसका यूज़ कर सकती हैं, कब इसका यूज़ नहीं करना है, कंटिन्यू इसका यूज़ कितने दिन तक आप कर सकते हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या इसका सही तरीका होता है यूज़ करने का। तो फ्रेंड्स, अगर आप पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक वीडियो को पूरा देखते रहें, जिससे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना होने पाए। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं वीडियो को। जब मैं बात कर रही हूँ ओवरऑल एल टैबलेट के बारे में, तो इसको बनाया गया है फ्रेंड्स फाइजर कंपनी के द्वारा। अगर इसके मार्केट प्राइस की बात करें कि ये मेडिकल स्टोर पर आपको कितने की मिल जाएगी, तो लगभग आपको 80 रुपीज़ के मार्केट प्राइस पे किसी भी मेडिकल स्टोर पर ईजिली मिल जाएगी। ये लगभग हर जगह अवेलेबल रहती है। अगर फ्रेंड्स इसमें कंटेंट के बारे में बात करें कि इस टैबलेट के अंदर कौन कौन से कंटेंट ऐड किए गए हैं, तो इसमें दो कंटेंट ऐड किए गए हैं। नंबर वन जो है वो लिवोनॉर्जेस्टेरोन होता है, और दूसरा होता है एथाइल एस्ट्रेडियोल। ये दोनों मिल करके बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं एज अ गर्भ निरोधक। फ्रेंड्स, इसको एज अ गर्भ निरोधक के अलावा भी इसके बहुत सारे यूज़ होते हैं, जो कि हर किसी को शायद नहीं पता होता है। तो आज इसके सारे के सारे यूज़ जानेंगे कि इसका कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, जो ये ओवरऑल एल टैबलेट होती है, इसका यूज़ आप 12 साल से की उम्र की लड़कियों से लगा करके 60 साल तक की उम्र की महिलाओं को दिया जा सकता है। ये मैरिड हो या फिर अनमैरिड, दोनों लोगों को दिया जा सकता है। कोई बाउंडेशन नहीं है कि अनमैरिड को नहीं देना है या सिर्फ मैरिड को ही देना है। तो आप एज ग्रुप समझ गए हैं कि 12 से लेकर के 60 साल तक दे सकते हैं, या फिर 60+ भी अगर कोई महिला है तो भी उसको दिया जा सकता है। बट फ्रेंड्स, इसके यूजेस के बारे में जैसे भी मैंने बताया कि एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन की तरह से इसको यूज़ किया जाता है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह से जब यूज़ करते हैं तो ये कैसे वर्क करती है एक महिला की बॉडी में। फ्रेंड्स, ये जो है स्पर्म का जो मूवमेंट है उसको डाउन कर देती है या धीमा कर देती है। जो महिलाओं में ओवम बन रहा होता है उसको फर्टिलाइज नहीं होने देती है। इस पर वो ओवम जब मिलते हैं तो उसके निषेचन को या उसके फर्टिलाइजेशन को रोकने का काम करती है। जब वो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। तो इस तरह से ये एज अ कंट्रासेप्टिव काम करती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर दूसरे आपके यूजेस के बारे में बात करें, जैसे कि मैंने भी बताया कि 12 साल की गर्ल्स स्टार्ट कर सकते हैं इसको, तो बच्चों में या जो 12 साल के टीन एजर्स जो गर्ल हैं उनको किस लिए दी जाता है, तो इसके अलग जो यूजेस हैं वो अब मैं बताने जा रही हूँ। कि अगर किसी लड़की को या किसी महिला को इररेगुलर पीरियड की प्रॉब्लम है, पीरियड टाइम से नहीं आता है, अप डाउन हो जाता है बहुत ज़्यादा, किसी को 1.5 महीने में आ रहा है, 2-2 महीने में आ रहा है, उस कंडीशन में भी डॉक्टर के द्वारा ओवरऑल एल टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। फिर इसके अलावा अगर किसी को फाइब्रॉइड हो गया है, ओवरी में सिस्ट हो गया है, यूट्रस में स्वेलिंग है या फिर सिस्ट है, उस कंडीशन में भी डॉक्टर के द्वारा ओवरऑल एल टैबलेट दी जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, और भी कई सारे यूजेस होते हैं, जैसे कि किसी की बार बार मिसकैरेज की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो भी डॉक्टर के द्वारा ये टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी इसको दिया जाता है। कई बार फ्रेंड्स, जो लड़कियाँ होती हैं उनको हार्मोनल जब चेंजेस होते हैं तो फेस पे बहुत सारे पिंपल हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं, वो एक्ने से परेशान जब रहते हैं, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर के द्वारा ओवरऑल एल टैबलेट दी जाती है। फ्रेंड्स, ये तो मैंने यूजेस बता दिए कि बिना कंट्रासेप्टिव के इसके और क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। गर्भ निरोधक की तरह तो इसको यूज़ करते ही हैं, उसके अलावा ये जो इतने सारे मैंने जो यूजेस बताए वो अदर यूज़ होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, डॉक्टर अपने चॉइस के अकॉर्डिंग किसी दूसरी चीज़ में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसके यूजेस के बारे में जानने के बाद में जानते हैं कि इसकी पैकिंग जो होती है फ्रेंड्स, वो 21 टैबलेट की होती है। अगर आप इसको ओपन करके देखेंगे, ये देखिए, ये टैबलेट जो है ओवरऑल एल की इस टाइप से निकलती है। इसमें 21 टैबलेट होती है। तो 21 टैबलेट जो सही इसका तरीका होता है खाने का वो क्या होता है,
जब किसी महिला को पीरियड आता है तो पीरियड के 5वें दिन से पहली गोली इसको स्टार्ट की जाती है। फर्स्ट गोली आपको कब लेनी है, जब आपका पीरियड हुआ है उसके 5वें दिन से। फॉर एग्जांपल अगर आपका पीरियड 1 तारीख को हुआ है तो आप 5 तारीख से इस टैबलेट को लेना स्टार्ट कर सकते हैं, तो ही आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि ये कई बार लोगों को तरीका नहीं पता होता है, वो कभी भी स्टार्ट कर देते हैं, ड्यूरिंग पीरियड भी वो ले लेते हैं, तभी दुष्प्रभाव भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये फिलहाल इसका यूज़ करना चाहिए या फिर किन महिलाओं को इनको इस टैबलेट का यूज़ नहीं करना चाहिए, ये भी जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जो ये ओरल एल टैबलेट है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिल्कुल भी इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, या कोई ब्रेस्ट फीडिंग अगर मदर है जो कि बच्चे को दूध पिलाती है उस कंडीशन में भी इस टैबलेट का यूज़ नहीं करना चाहिए। किसी महिला जिसको किडनी की प्रॉब्लम है या फिर लीवर की प्रॉब्लम है तो भी इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर किसी का बीपी बढ़ा है या फिर डायबिटिक पेशेंट है तो भी इस टैबलेट का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप इसका यूज़ कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह पर ही करें, फिलहाल तो ये इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, तभी ज़्यादा सही रहेगा। तो फ्रेंड्स ये थी जानकारी ओवरऑल एल टैबलेट के बारे में। मैंने पूरी कोशिश की कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दूँ। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ये जो मैंने बताया आपको कि पीरियड के 5वें दिन से लेना है, इसके अलावा फ्रेंड्स अगर किसी को चेस्ट में कोई प्रॉब्लम है या ब्रेस्ट में सिस्ट हो गई है, ब्रेस्ट में कोई इन्फेक्शन है, उस टाइम भी डॉक्टर के द्वारा ओवरऑल एल टैबलेट दी जाती है। इसके अलावा जो मेनोपॉज की प्रॉब्लम आती है या मेनोपॉज की जो एज रहती है 45 साल से ऊपर की रहती है, तो उस कंडीशन में भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी डॉक्टर के द्वारा ओवरऑल एल टैबलेट दी जाती है। अगर फ्रेंड्स इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें कि इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, तो किसी को नौजिया या वोमिटिंग जैसी भी शिकायत लग जाती है, कॉन्स्टिपेशन की भी दिक्कत हो जाती है। लेकिन इसका जो यूज़ जो मैंने बताया कि जैसे आप 5वें दिन शुरू करते हैं, बट इसका टाइम फिक्स रखना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर आप फिक्स रखेंगे टाइम तो आपको किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि आप शाम को अगर लेते हैं तो हर दिन शाम को ही आपको लेनी है एक टैबलेट। अगर आप मॉर्निंग में लेना शुरू करते हैं तो पर डे आपको मॉर्निंग में ही वो टैबलेट यूज़ करनी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक टैबलेट मॉर्निंग में ले ली और एक आपने नेक्स्ट डे आपने इवनिंग में ले ली। तो आपको टाइम फिक्स रखना है, और आफ्टर मील इसको दिया जाता है, खाने के बाद आप ले सकते हैं, तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसके अगर फ्रेंड्स साइड इफेक्ट है तो डिजीनेस भी किसी किसी को लग जाती है, चक्कर जैसा भी आने लगता है, ये इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं। अगर इसके अलावा कोई भी महिला जो कि बहुत लंबे समय तक इसका यूज़ कर रही है, जैसे कि 3 साल से ऊपर हो गया है, 4-5 साल से कंटिन्यू ले रही है, तो उसका बीपी भी बढ़ सकता है, बीपी राइज हो जाता है, या उसको कभी कभी पैरों में भी दर्द हो सकता है। लेकिन कितने दिन लेना है ये आप अपने डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में ही रह के करें, क्योंकि इस जो टैबलेट का यूज़ होता है वो मैक्सिमम आपको 3 ईयर तक करना है। 3 साल से अगर ज़्यादा आप ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से एक बार अवश्य सलाह ले लें, क्योंकि 3 साल तक कंटिन्यू आप इसका यूज़ कर सकते हैं, बट उसके जब ज़्यादा यूज़ करते हैं उससे भी, तो ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये फ्रेंड्स इसके साइड इफ़ेक्ट हो गए। इसका अगर हम